देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। आज आपने ज्ञापन दिया है, इसके संबंध में ज्ञापन दिया राजनीतिक षड्यंत्र द्वारा हरिजन एक्ट की एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें मेरे पति निर्दोष पाए जा रहे हैं साक्ष्यों के तले। मेरी इस प्रशासन से इतनी निवेदन है कि हमारे पति के लिए वो पूर्ण पुनः जांच हो, जिससे मतलब दोनों पक्षों का वो रखा जाए कि किसकी गलती है। और इतने हम लोगों के पास सबूत हैं कि भगवान ही है तो ईश्वर है, मतलब न्यायाधीश बैठे हैं, कि कोई साक्ष्य निकले रहा है। जनता भी इसी के लिए है कि अगर एक भी साक्ष्य निकल आएगा तो वो सोनू भी जानेगा तो मेरे पति जानेंगे क्या हुआ। और लोगों को इसलिए लेके आई हूँ कि ये लोग भी मेरे आसपास के लोग हैं, ये भी बता सकते हैं कि हम लोगों के दरवाजे में कभी ऐसी घटना हुई है या अभी तक मेरे परिवार में भी नहीं, एक FIR नहीं, एक 51 की धारा के तहत एक रिपोर्ट भी नहीं है। चौकी वाले भी कहाँ की घटना है? अब क्या लगता है आखिर मामला जो दर्ज हुआ है किन कारणों से हुआ है, इसके पीछे कारण क्या? राजनीतिक षड्यंत्र, मेन राजनीतिक षड्यंत्र मेरे गांव के लोगों का, ऊपर से भी लोगों का दबाव। ऊपर से किसका हाथ है इसके पीछे? वो भाई जो बड़े आदमी है, पैसे वाले, हम लोग तो दो पैसे वाले आदमी हैं, अपना पेट पाल जनता का पाल। इतनी हिम्मत तो ये नहीं कि हम लोग ऐसे मतलब खेल खेलेंगे। आप कितना पैसा षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है, आपने ऐसा क्या किया है? हम लोगों ने ये किया, छोटी उम्र में इतना काम करके दिखा दिया, कुछ नहीं है बस ये बात।